बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज जी मैं आपके लिए प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। जिन लोगों को गाजर को कद्दूकश करना बहुत मुश्किल लगता है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। बग़ैर खोए के कम बजट में बनाएँ बहुत ही आसानी के साथ घर में गाजर का हलवा। जो भी इस हलवे को खाएगा आपके ही गीत गाएगा। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, ताकि आप भी इसी तरह का मज़ेदार हलवा घर में बना सकें, वो भी गाजर कद्दूकश किए बगैर। गाजर का हलवा किसको नहीं पसंद? सभी को पसंद होता है, लेकिन गाजरों को कद्दूकश करने में जो मेहनत लगती है, लोग थोड़ा इसे घबरा जाते हैं और बाज़ार से बना बनाया हलवा ले आते हैं, लेकिन वो इतना टेस्टी नहीं होता जो घर में बनाया जाता है। तो आज मैं बग़ैर कद्दूकश किए गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा गाजर का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए मैंने लिए हैं 2 किलो गाजरें। गाजरों को मैंने अच्छे से धोकर उनको छील लिया है, और आपने बारीक गाजरें लेनी है और रेड कलर में गाजरें लेनी है। आजकल वैसे भी गाजरों का सीज़न है, तो बहुत अच्छी मार्केट में गाजरें अवेलेबल हैं। तो एक प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून देसी घी का। आप इसको डालडा घी में भी बना सकते हैं और ऑयल में भी, जो भी आपने यूज़ करना हो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब सारी गाजरों को मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी गाजरों को, ताकि इनकी थोड़ी सी घी के साथ भुनाई हो जाए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून के करीब नमक। नमक से कुछ भी नहीं होगा टेस्ट, बल्कि इससे ज़्यादा इन्हेंस होगा गाजर के हलवे का। ये नमकीन नहीं होगा, आप लोग बाद में खुद चेक कर सकते हैं कि इससे टेस्ट कितना ज़बरदस्त आया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका प्रेशर हम बंद कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको प्रेशर देना है लो फ्लेम पर। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, गाजरों को उसके अपने पानी में ही हम गल देंगे। चलो जी, तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। एक पैन मैंने लिया है, इसमें मैं डालूंगी 2 किलो दूध, ताज़ा बिल्कुल फ्रेश। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, डब्बे वाला मिल्क मैंने यूज़ नहीं किया। इसको अब मैं उबलने के लिए छोड़ दूंगी। दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है, अब मैंने इसको पकाना है तब तक जब तक ये पक पक के 1 से 1.5 गिलास तक ना रह जाए। 2 किलो मैंने यूज़ किया है दूध, और उबलने के बाद अब मैंने इसको लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक ये 1 गिलास तक ना रह जाए। अच्छे से हमने इनकी पकाई करनी है। जितना ज़्यादा दूध पका होगा गजरेले का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। दूध को पकते हुए 30 से 45 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो गया है, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इतना गाढ़ा होना चाहिए कि हमें इसमें कोई भी खोया डालने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने इसमें डाला है 3 से 4 टेबलस्पून खुश्क दूध। खुश्क दूध आप ऐड करें, इससे बहुत ही कमाल का रिजल्ट आएगा और इससे दूध बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाएगा। ये डालने के बाद इसको मैं मसलकर हिलाऊंगी और मज़ीद पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। दूसरी तरफ प्रेशर मैंने उतार लिया था, आप देखें सिर्फ मैंने इनको 3 से 4 मिनट तक प्रेशर लगाया था और गाजरें हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं और बहुत गल गई हैं। देखें कितनी आसानी के साथ ये टूट रही हैं। बस अब हमने इसको मैशर की हेल्प से मैश करना है, कोई हमने इसको कद्दूकश नहीं करना, और ये इतने अच्छे से मैश होंगी कि कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि आपने इन गाजरों को कद्दूकश किए बगैर बनाया है। देखें गाजरें बहुत आसानी से मैश हो गई हैं और ये इतनी सॉफ्ट हो गई हैं कि लग ही नहीं रहा कि हमने इनको कद्दूकश नहीं किया। बहुत ही आसानी से ये बनने वाला गाजर का हलवा है। अब मैं इसमें मज़ीद 1 टेबल स्पून देसी घी का दोबारा से डालूंगी। मैंने इसमें बिल्कुल भी डालडा घी का इस्तेमाल नहीं किया और इसकी मैं मज़ीद भुनाई करूंगी ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा है। जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ले लिए हैं कोकोनट के। कोकोनट को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और 7 से 8 बादाम ले लिया है, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। ज़्यादा बारीक ग्रेट नहीं करना, बस दरदरा सा हमने ग्रेट करना है। इसको मैं उसी दूध में डाल दूँगी जो मैंने पकने के लिए रखा है। दूध भी हमारा 1 गिलास तक ही रह गया है, बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया। इसका टेस्ट इतना टेस्टी है ना कि लग ही नहीं रहा कि ये हमने इसमें खोया नहीं डाला।
आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा खोया यूज़ किया है। इसका टेस्ट खोए से भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद मैं 2 टेबलस्पून बस चीनी के लूँगी, क्योंकि गाजरें इतनी मीठी हैं, इसमें बिल्कुल भी चीनी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और 3 से 4 इलायची ली है, उसको मैंने पाउडर बना लिया है, क्योंकि इलायची को वैसे अगर अलहदा ग्राइंड करें तो ये अच्छे से नहीं होती, इसलिए चीनी के अंदर डाल के मैंने उनको ग्राइंड कर लिया और वो भी मैंने इस खोए में डाल दिया। अब जो गाजरें मैंने भुनी थी वो मैं इसमें डालूंगी। देखिए बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये गाजरें हमने कद्दूकश किए बगैर इस तरह से बनाई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमने कद्दूकश किया। ये हमने इसमें डाल देना है और अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है, ताकि जो अच्छे से खोया का जो फ्लेवर है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा आपका बिल्कुल तैयार है। आप लोग कोई से भी ऊपर से नट्स यूज़ करना चाहते हैं या ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग डाल सकते हैं। अगर वैसे भी आप इसको ऐसे ही खाएं तो बहुत ही मज़ेदार ये गाजर का हलवा है। कोई भी नहीं बता सकेगा कि हमने 4 से 5 घंटे लगाए बगैर सिर्फ आधे घंटे में ही ये ज़बरदस्त हलवा तैयार कर लिया है, और इतनी अथेंटिक और इतनी इजी रेसिपी है। एक प्लेट पे मैंने रख लिया है और इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। बिल्कुल सर्कल हम इसका बना लेंगे, इसकी हम इस अच्छे से गार्निशिंग करेंगे। जो थोड़ा सा मैंने खोया बनाया था उसको मैंने साइड पे रख लिया था, वो एक चम्मच की हेल्प से वो इसके ऊपर लगाएंगे। और साइडों वाला थोड़ा और बच गया था, वो मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया और इसकी साइडों पर इसी तरह से हम गार्निशिंग करेंगे। और मेरे पास कद्दूकश की हुई थोड़ी सी ये कोकोनट था, ये भी उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपके पास कोई से भी ड्राई फ्रूट्स या नट्स अवेलेबल हो आप उससे गार्निशिंग कर सकते हैं। अगर ना भी अवेलेबल हो तो ये सिंपल इस तरह से भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आपके साथ मैंने बहुत ही यूनिक और फटाफट से बनने वाली आज गाजर की रेसिपी शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज के ये गाजर के हलवे की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये मैंने बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखा, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है। इसी तरह से बस मैंने इसकी थोड़ी सेटिंग की है और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त है और कितनी आसानी से हमने इसको बना लिया है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट में ये बिल्कुल लाजवाब और कमाल की रेसिपी है। आपको ट्राई करके खुद ही इसके टेस्ट का अंदाज़ा हो जाए। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, और मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।